सभी बोलते थे कि यही चीज़ यही मेडल बचा था, तो वो भी आज पूरा हो गया है। और बस वो 90 मीटर वाला सवाल अभी हमको वो करना बाकी है, इंडिया के लिए है, ओलंपिक चैंपियन बने थे, अभी वर्ल्ड चैंपियन है, कुछ भी कर सकते। खुशी की बात है सारे देश के लिए और बड़े घरों की बात है बच्चे ने कितना ऊंचा लगता इंडिया में है, ज्यादा तो नहीं कह सकता, मुझे लगता है 10-20% तो पाकिस्तान में भी फैन फॉलोइंग है नीरज की, वहाँ भी इतने ही चाहने वाले हैं। अपने फोन से तो शायद 1.5-2 साल मेरे को फोन किए, जब भी उसको टाइम मिलता है वो पूरे परिवार से 2-2 मिनट 1-1 मिनट जब भी टाइम मिलता है ना, तब वो पूरे परिवार से बात कर लेता है। हरियाणा के पानीपत के एक गांव से भारतीय खेलों के सबसे बड़े सितारों में नाम दर्ज कराने तक का नीरज चोपड़ा सफर इतना गौरवमय रहा है कि वो हर कदम पर एक नई विजय गाथा लिखते चले जा रहे हैं। नीरज ने अपना वजन कम करने के लिए खेलना शुरू किया था, उन्होंने भाला फेंक में हाथ आजमाने की सोची और बाकी इतिहास है। नीरज का भाला एक बार फिर बोला और इतिहास के पन्नों में भारत का नाम सुनहरे अक्षरों में लिखवा दिया। हरियाणा के खंडरा गांव से लेकर टोक्यो ओलंपिक के पोडियम के शीर्ष तक भारत के गोल्डन बॉय नीरज चोपड़ा ने एक बार फिर भारत को गौरवान्वित किया। नीरज ने तिरंगे की शान ऐसी बढ़ाई कि कोई भी दूर दूर तक नजर नहीं आ रहा। विश्व एथलेटिक्स चैंपियनशिप में गोल्ड मेडल जीतकर और पाकिस्तान के अरशद नदीम को हराकर नीरज ने दिखा दिया कि हम किसी से कम नहीं हैं। नीरज ने गोल्ड मेडल जीतकर इतिहास रच दिया। नीरज चोपड़ा के जबरदस्त भाला फेंक से भारत विश्व एथलेटिक्स चैंपियनशिप में स्वर्ण पदक जीतने वाला पहला देश बन गया। बस मैं क्या बताऊं सर, अभी सभी बोलते थे कि यही चीज़ यही मेडल बचा था, तो वो भी आज पूरा हो गया है। और बस वो 90 मीटर वाला सवाल अभी हमको वो करना बाकी है, कोई बात नहीं, आज मैं सोच रहा था हो जाएगा, पर मेडल बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट था, गोल्ड मेडल अभी अपने पास है ये, और अभी अगले और कॉम्पिटिशन है, अभी टाइम है तो उनमें और ज़्यादा जोर लगाएंगे। 4 और 5 करो पे थोड़ी बहुत नर्वसनेस क्योंकि 1-2 पे काफ़ी क्लोज था जी, उस समय आपका माइंडसेट क्या था कि आप मुझे क्या करना चाहिए? बस मुझे लग रहा था कि लास्ट थ्रो तक की निकलेगी, थ्रो निकलेगी, क्योंकि कंसिस्टेंट तो थी पर कहीं ना कहीं कुछ दिक्कत आ रही थी। पहली थ्रो मैं सोच रहा था कि काफ़ी अच्छे से लगाऊंगा पर टेक्निकली कुछ प्रॉब्लम रही उसमें, तो पहली थ्रो अच्छी ना लगे थोड़ा हो ही जाता है कि फिर खुद को पुश किया और मुझे मैं थोड़ा सा बहुत ज़्यादा सोच रहा था ग्रोइन के बारे में, मैं बहुत ज़्यादा केयरफुली चल रहा था, मैं मतलब स्पीड में 100% ही जा पा रहा था, अगर मेरा स्पीड में रन भी ना हो तो मुझे कहीं ना कहीं कुछ कमी महसूस होती है, तो मुझे बस अपने आप को बिल्कुल फिट करना है और बस 100% रनवे फास्ट भागना है और बस पूरा जोर लगाना है, वही चीज़ मुझे करनी है। भारत वालों को क्या बोलूंगा? हाँ जी, भारतवासियों को मैं धन्यवाद बोलूंगा कि आप सभी रात को जाग रहे हैं और सपोर्ट कर रहे हैं, बहुत बहुत धन्यवाद, और ये मेडल पूरे इंडिया के लिए है, ओलंपिक चैंपियन बने थे, अभी वर्ल्ड चैंपियन है, हम कुछ भी कर सकते हैं, आप सभी ऐसे ही मेहनत करते रहो अलग अलग फील्ड में और हमको दुनिया में नाम करना है। नीरज चोपड़ा के गोल्ड जीतने के बाद परिवार और गांव में खुशी का माहौल है और परिवार वालों को बधाई देने वालों का तांता लगा है। परिवार के लोगों का कहना है कि कल रात से ही बधाई देने वालों के लगातार संदेश मिल रहे हैं, देश के तमाम बड़े नेता मंत्री भी उन्हें फोन पर बधाई देने पर जुटे हुए हैं। बहुत खुशी की बात है सारे देश के लिए और बड़े घरों की बात है बच्चे ने कितना ऊंचा लगता है। पहली बात तो ये कि पाकिस्तान के प्लेयर को हराकर जो है विश्व चैंपियन बना है हिंदुस्तान का नीरज चोपड़ा, दूसरी बात वर्ल्ड रिकॉर्ड भी बनाया। देखो जी, मैदान में जाओगे कोई खिलाड़ी है तो सारे खेलने वाले हैं, कोई ना कोई तो जीत करेगा, उसमें पाकिस्तान के हरियाणे कोई बात नहीं, अब बड़ी खुशी बात है, वो पाकिस्तान का जीतना उसकी भी बड़ी खुशी थी, नीरज जीतता इसकी भी बड़ी खुशी है। हरियाणा की अगर हम बात करते हैं तो खिलाड़ियों के नाम पर जो है पहलवानी का सबसे पहले जिक्र आता था, लेकिन नीरज ने जेवलिन में करियर बनाया, हिंदुस्तान को एक नई पहचान नए मुकाम तक लेके गया। आया तो है जी, पहचान करी हो और बार के लिए गोल्ड जीता है, सबने खुशी मनाई है। अब सेलिब्रेशन कैसे करेंगे, क्या रहेगा सेलिब्रेशन को लेकर? बड़ी खुशी की बात है जी, मनाओगे, आवेगा जी। बात हुई आपकी नीरज से? नहीं जी, अभी नहीं हुई, अभी बात नहीं हो पाई, कब तक आ रहे हैं? कुछ बात नहीं हुई, कभी आओगे। नीरज चोपड़ा की मां सरोज चोपड़ा ने कहा कि नीरज चोपड़ा के फिलहाल घर आने की कोई उम्मीद नहीं है, क्योंकि नीरज डायमंड के फाइनल लीग और एशियाई चैंपियनशिप की तैयारी कर रहा है, अगर इस बीच नीरज को वक्त मिला तो घर आने पर भव्य सेलिब्रेशन किया जाएगा। वहीं मां के साथ साथ नीरज के पिता का भी सीना चौड़ा हो गया है। इस खास मौके पर नीरज के पिता ने क्या कहा सुनिए। तो मैं अपने फोन से तो शायद 1.5-2 साल मेरे को फोन किए, जब भी उसको टाइम मिलता है वो पूरे परिवार से 2-2 मिनट 1-1 मिनट जब भी टाइम मिलता है ना, तब वो पूरे परिवार से बात कर लेता है,
अकेला कोई भी आदमी मतलब ये सोच के रिफोन करता चलो उसके साथ बात कर लेंगे इकट्ठे कर, जब उसको टाइम लगता है मैसेज छोड़ देते हैं, जब उसको टाइम लगता है उसके अनुरूप वो 2, 4, 10 मिनट जितनी दे सकता है परिवार को वो तो तब सभी की बात हो जाती है। सबसे ज़्यादा किससे बात होती है आपसे, उनकी माता जी से, चाचा जी से, किससे बात है? सभी पूरे फैमिली के लिए वो एक मतलब लाड प्यार के हिसाब से ही है, के लिए बराबर है। ये नहीं है कि भाई मैं उसका पिता हूँ, मतलब छोटे भाइयों के जो मतलब बच्चे हैं, मतलब ये नहीं है किसी में कोई उतार चढ़ाव है, सभी को एक बराबर लेके चलता हूँ। नीरज चोपड़ा अब 90 मीटर के करीब है। जिस दिन नीरज का दिन और समय आएगा तो नीरज 90 मीटर को भी क्रॉस कर देगा और अपने रिकॉर्ड को तोड़ देगा। चाचा भीम चोपड़ा ने कहा कि नीरज ने पाक को ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया के खिलाड़ियों को हराया है और गोल्ड मेडल जीता है। नीरज चोपड़ा के चाचा ने बताया कि पाकिस्तानी खिलाड़ी अरशद नदीम नीरज चोपड़ा का बहुत बड़ा फैन है और नीरज को अपना आइडल मानता है। इतना ही नहीं, जितनी फैन फॉलोइंग नीरज की इंडिया के बाहर है उसके हिसाब से 20% फैन फॉलोइंग उनकी पाकिस्तान के अंदर भी है। खाली पाकिस्तान के साथ मुकाबला नहीं था, 12 खिलाड़ी खेल रहे थे, उन सभी के साथ मुकाबला था और पाकिस्तान वाला बहुत अच्छा खिलाड़ी है, उसने भी बहुत अच्छा परफॉर्म किया है। नीरज के बारे में क्या कहेंगे, क्या कोई बातचीत उनके साथ वहाँ पर हुई आपकी? नहीं, अभी तक मेरी कोई बातचीत नहीं है। यहाँ रात को पूरे परिवार के साथ? हाँ, पूरे परिवार ने, गांव वालों ने, आसपास के गांव के लोग आए थे, तो सैकड़ों आदमी थे यहाँ पे, तो सभी ने मैच इकट्ठा देखा। पिछली बार हाँ, जो पिछली बार सिल्वर मेडल था उसको अब की बार गोल्ड में कन्वर्ट किया है और काफ़ी मेहनत की है तब ये जाके हासिल हो पाया है। अब नीरज अभी जब बात होगी तभी पता लगेगा, मुझे नहीं लगता अभी उसकी प्लानिंग बन पाएगी क्योंकि एशियन गेम्स भी बिल्कुल सर पे हैं और डायमंड लीग का फाइनल भी सर पे है। टोक्यो ओलंपिक में गोल्ड मेडल जीतने के बाद लगातार नीरज चोपड़ा की लड़कियों में फैन फॉलोइंग बढ़ती जा रही है। हर किसी की जुबान पर बस एक ही सवाल है कि नीरज चोपड़ा की शादी कब होगी, तो इसी सवाल का जवाब आज हम आपको बताते हैं। नीरज के परिवार का कहना है कि 2024 के ओलंपिक के बाद नीरज चोपड़ा की शादी करेंगे। अगर नीरज अपनी पसंद की लड़की से शादी करना चाहेगा तो परिवार उनकी सहमति से उनकी मनपसंद लड़की से शादी करा देगा। तो गोल्डन बॉय नीरज चोपड़ा अब कब घर आते हैं और कैसे उनका स्वागत होता है ये देखना दिलचस्प रहेगा। पानीपत से सचिन शर्मा, पंजाब केसरी टीवी। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।